हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम याद करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज जो अक्सर किसी भी एग्जाम में आ ही जाते हैं। SSC, RRB या स्टेट लेवल का कोई भी क्लरिकल एग्जाम हो, उसमें तो इन डेज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पॉइंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। बिकॉज अगर 2 मार्क्स भी मिल जाते हैं हमें इतने इजी क्वेश्चन का आंसर देके, तो हम उसे क्यों छोड़े, है ना। बिकॉज एक एक नंबर हमारे लिए एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर नहीं भी कर रहे हो, तो भी कुछ इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी से। तो सबसे पहले है 1 जनवरी। 1 जनवरी को हम इंग्लिश न्यू ईयर और वर्ल्ड पीस डे के तौर पे मनाते हैं। तो सेकंड है 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम वर्ल्ड बरेल डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 11 जनवरी। 11 जनवरी को हम लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। नेक्स्ट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के तौर पर और नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट है 14 जनवरी। 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति, लोरी और पोंगल के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम आर्मी डे के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट है 23 जनवरी। 23 जनवरी को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाते हैं। नेक्स्ट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑफ इंडिया के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे, इंडिया टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी। 26 जनवरी तो हमें पता ही है कि इस दिन हम रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम डे मनाते हैं। नेक्स्ट है 28 जनवरी। 28 जनवरी को हम लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम महात्मा गांधी जी की शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए तो देखते हैं फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले है 1 फरवरी। 1 फरवरी को हम इंडिया कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाते हैं। सेकेंड है 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 4 फरवरी। 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन कैंसर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है और कैंसर से कैसे क्योर किया जाता है, उसके बारे में लोगों को जागरूकता भी दी जाती है। ऐसे कई प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं जिसमें कैंसर से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है 13 फरवरी। 13 फरवरी को हम सरोजनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 18 फरवरी। 18 फरवरी को हम ताज महोत्सव मनाते हैं। तो भारत में ताज महोत्सव 18 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 फरवरी। 20 फरवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 21 फरवरी। 21 फरवरी को हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 23 फरवरी। 23 फरवरी को हम वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 24 फरवरी। 24 फरवरी को हम सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 28 फरवरी। इस दिन को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। तो मार्च में सबसे पहले है 1 मार्च। 1 मार्च को हम वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 3 मार्च। 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 4 मार्च। 4 मार्च को हम नेशनल सेफ्टी डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 8 मार्च। 8 मार्च के दिन हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट है 13 मार्च। 13 मार्च को हम नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 15 मार्च। इस दिन को हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 20 मार्च। 20 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 21 मार्च। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और वर्ल्ड पोएट्री डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 22 मार्च।
22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 24 मार्च, इस दिन वर्ल्ड टीवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 27 मार्च, 27 मार्च को हम वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाते हैं। तो नेक्स्ट है अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ का फर्स्ट सेलिब्रेटेड डे है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को हम उड़ीसा फाउंडेशन डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को हम नेशनल मैरिटाइम डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल को हम नेशनल सेफ मदरहुड डे और नेशनल पेट डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड में शहीदों को याद किया जाता है और इस दिवस को उन्हीं की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 21 अप्रैल, इस दिन को हम नेशनल सिविल सर्विस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 22 अप्रैल, इस दिन को वर्ल्ड अर्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले है 1 मई, 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 3 मई, 3 मई को हम प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 4 मई, 4 मई को हम कोल माइनर्स डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 2 संडे ऑफ मई, तो मई के 2 संडे को हम मदर्स डे के रूप में मनाते हैं, जिसे कि हर कोई सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट है 8 मई, 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 11 मई, 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 12 मई, 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 17 मई, 17 मई को हम वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट है 21 मई, इस दिन को एंटी टेररिज्म डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 मई, 24 मई को कॉमनवेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 31 मई, 31 मई को एंटी टोबैको डे के तौर पे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है जून मंथ, जून मंथ के 1 डे को ग्लोबल पेरेंट्स डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 जून, 3 जून को हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 5 जून, 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 7 जून, 7 जून को हम इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 8 जून, 8 जून को हम वर्ल्ड ओशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 12 जून, इस दिन को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 14 जून, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 जून, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 संडे ऑफ जून, तो जून के 3 संडे को फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 27 जून, 27 जून को वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले है 1 जुलाई, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 4 जुलाई, 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 11 जुलाई, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18 जुलाई, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट है 28 जुलाई, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 29 जुलाई, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज। सबसे पहले है 2 अगस्त, 2 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे होता है। नेक्स्ट है 6 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 9 अगस्त, 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे और नागासाकी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है
12 अगस्त इस दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 14 अगस्त। 14 अगस्त को भारत के द्वारा पाकिस्तान को आजाद किया गया था, इसलिए इस दिन पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 अगस्त। 15 अगस्त को इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 19 अगस्त। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 अगस्त। इस दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 29 अगस्त। इस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 30 अगस्त। इस दिन स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले है 5 सितंबर। इस दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 8 सितंबर। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी डे और वर्ल्ड फर्स्ट एयर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 सितंबर। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे जो कि इंडिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 16 सितंबर। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 सितंबर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 सितंबर। 25 सितंबर को सोशल जस्टिस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 27 सितंबर। इस दिन को वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के तौर पे पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे और वर्ल्ड नेचर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर। इस दिन को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर। इस दिन को इंडियन एयर फोर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर। इस दिन को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नवंबर के इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले है 5 नवंबर। 5 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 7 नवंबर। 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे और वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 14 नवंबर। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे जो कि इंडिया में मनाया जाता है और इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी होता है। नेक्स्ट है 17 नवंबर। इस दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 18 नवंबर। 18 नवंबर को वर्ल्ड एडल्ट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 19 नवंबर। 19 नवंबर को वर्ल्ड सिटीजन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 20 नवंबर। इस दिन को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 नवंबर। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 25 नवंबर। 25 नवंबर को वर्ल्ड नॉनवेज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 26 नवंबर। इस दिन को लॉ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 30 नवंबर। 30 नवंबर को फ्लैग डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे लास्ट मंथ दिसंबर के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर। इस दिन को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 दिसंबर। इस दिन को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 7 दिसंबर। इस दिन को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर।
9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर, इस दिन को ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को इंटरनेशनल एनर्जी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 29 दिसंबर, इस दिन को इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे पूरे साल के इम्पोर्टेंट डेज। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।